नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा बेहतरीन घरेलू उपाय लेकर के आया हूं, जिसके इस्तेमाल से आप अपनी दाढ़ी को मर्दों जैसा, पठानों जैसा घना कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज का यह नुस्खा इतना कारगर है कि यह आपकी दाढ़ी मूछों को उगाने के लिए, दाढ़ी मूछों को घना करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। दोस्तों ये बात हम सभी लोग जानते हैं, ये बात हम किसी लोगों से नहीं छिपी कि घनी दाढ़ी मूछ मर्दों की निशानी होती है, और घनी दाढ़ी मूछ होने से मर्दों का चेहरा और भी ज़्यादा खूबसूरत और भी ज़्यादा बेहतरीन लगता है। दोस्तों अगर इससे पहले आप लोगों ने बहुत कुछ कोशिश किया, बहुत कुछ ट्राई किया, बहुत सारे बाजार से बियर्ड ऑयल तेल खरीद खरीद कर अपने चेहरे के ऊपर लगाया, लेकिन आपकी दाढ़ी मूछ घनी नहीं उग रही है, आपकी दाढ़ी मूछ उतनी अच्छी नहीं आ रही है, तो आज की इस वीडियो को दोस्तों, बहुत छोटी सी वीडियो है, आज की इस वीडियो को दोस्तों आप लोग एक बार अंतिम तक जरूर देखिएगा। यह नुस्खा इतना कारगर है कि बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज्यादा फायदा आप लोगों को मिलेगा, और आपकी दाढ़ी मूछ बिल्कुल घनी और खूबसूरत होने लगेगी। तो दोस्तों समय न गवाते हुए सीधे इस नुस्खे को शुरू करते हैं। इस नुस्खे में जो सबसे पहली चीज आपको लेनी है, वो आपको एक अंडा लेना है। आप एक अंडा ले लें और उसे इस तरीके से बीच से तोड़ लें, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमने अंडे को यहां पर निकाल दिया है, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा दोस्तों एक एक चीजों को और एक एक बातों को जो मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आप लोगों को सही जानकारी मिल जाए और आप लोग इस नुस्खे को इस्तेमाल करके बहुत ही तेजी से अपनी दाढ़ी को, अपने मूछों को बढ़ा पाए। उसके बाद दोस्तों हमें एक बाउल लेना है, और उस बाउल में लगभग एक चम्मच के आसपास हम इसमें कैस्टर ऑयल लेंगे, ठीक है दोस्तों। कैस्टर ऑयल, इसे हम कहते हैं अरंडी का तेल, और अरंडी का तेल बालों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है, बालों को उगाने के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने अरंडी का तेल ले लिया है, ये जो आप देख रहे हैं ये भी आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर एग वाइट, जो एग वाइट है उसको लेना है, पीले वाले पोर्शन को हमें छोड़ देना है इस तरीके से। कितनी मात्रा लेनी है, जितनी मात्रा में ले रहा हूं दोस्तों आपको भी लगभग उतनी ही मात्रा लेनी है इस तरीके से। दोस्तों लगभग हमें एक चम्मच के आसपास आप लें एक वाइट को, और पहले इन दोनों को हम आपस में मिलाते हैं। दोस्तों इस नुस्खे को कैसे लगाना है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये भी बहुत जाना जरूरी है। और ये जो नुस्खा है दोस्तों, यह बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक है, यह आपके दाढ़ी मूछों वाले इलाके को बहुत ही ज़्यादा पौष्टिकता प्रदान करेगा, और पौष्टिकता मिलने से आपको दाढ़ी मूछों को घना करने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद दोस्तों इसे कैसे लगाना है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये एक बहुत ही पुरानी और आयुर्वेदिक चीज़ है, और इसके बारे में हकीमों का, वैद्यों का यह कहना है कि यह किसी भी नुस्खे में अगर इसको मिला दिया जाए तो यह उस नुस्खे की ताकत को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। दोस्तों इसे हम कहते हैं कलौंजी, इसे हम लोग कलौंजी सीड्स कहते हैं। आप लगभग क्या करें, लगभग दोस्तों आप लोग इतनी मात्रा, लगभग आधा चम्मच आप कलौंजी को लें, और इसको बिल्कुल बारीक आप लोग पीस लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग इसको बिल्कुल बारीक पीस लीजिएगा, जितना बारीक आप इसे पीस सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लगभग इतनी मात्रा लेकर के आधा चम्मच पीसी हुई कलौंजी को आपको लेना है, और उसको लेकर के इस नुस्खे में मिला देना है इस तरीके से। आप लोग मिला लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, मैं यहां पर अभी पीस नहीं सकता इसे। और इस तरह मिला लेने के बाद दोस्तों आपको इसे कैसे लगाना है, इसके बाद दोस्तों आप इसे लेकर के सबसे पहले क्या कीजिएगा, अपने इसे इस तरीके से लेकर के अपने दाढ़ी मूछों वाले इलाके पर अच्छे से पहले मालिश कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छे से अपने दाढ़ी मूछ वाले इलाके पर इसको लेकर के अच्छे से मालिश कीजिएगा, और मालिश कम से कम 5 से 10 मिनट तक कीजिएगा जहां पर आपके दाढ़ी मूछ उगते हैं। फिर इसे आप लोग तेल की तरह पूरे अपने चेहरे पर लगा लीजिएगा, और रात भर लगा रहना छोड़ दीजिएगा, सुबह आप इसे धो लीजिएगा, दिन में एक बार इसका प्रयोग कीजिएगा दोस्तों, आप पाएंगे कि आपकी दाढ़ी मूछ घनी होने लगेगी। दोस्तों इसी तरह की जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।